इस फ्रीक्वेंसी की धरती पर हमारे साइंस के अलग जगाने वाले पांडे सर और उनके समस्त विद्वत जो शिक्षागण हैं सबको मैं नमन करता हूँ कि आपने अपने कोचिंग सेंटर में अपना पक्ष रखने का एक मौका दिया। और अभिनंदन है, धन्यवाद के पात्र हैं वैसे बच्चे इस माहौल में बैठे हुए, चाहे वो नाइन्थ क्लास के छात्र हैं या टेंथ क्लास के छात्र हैं या टेंथ पास किए हुए छात्र हैं या इंटर में गए हुए छात्र हैं या इंटर पास्ट छात्र और छात्राएं हैं, सभी को मैं धन्यवाद के साथ साथ एक शिक्षक के नाते आप सबों को शुभ आशीर्वाद भी देता हूं और भविष्य में अच्छा करने के लिए शुभकामना भी देता हूं। आप लोग परिचय सुने, बाराहाट में हम लोग का एक प्लस टू लेवल साइंस इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर हम लोग भी जिस तरह आप लोग देखे ग्रुपिंग, हम लोग भी चार पांच शिक्षक हैं। हमारे वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब मुकेश आजाद जी जो जिला के स्काउट गाइड के ट्रेनर, वो भी आए हुए हैं। अभी आप लोग गणित के बारे में, फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातों को सुन रहे थे, मैंने भी इन लोगों से बहुत कुछ सीखा, इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। मैं आप लोगों को एक दो बात बता देता हूं, जीवन की बहुत अनमोल पहेली है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा एक अच्छा मुकाम मिले, मंजिल मिले, करियर मिले, जीवन में आप एक को सीख लें, सिर्फ एक को सीखें। आप देखे होंगे ये एक लिखा जाता है, एक चीज को आप सीखिए, एक सीखेंगे आप हजार लाख करोड़ अरब भी सीख सकते हैं। एक पर अगर आप एक जीरो देते हैं इसका मान कितना होता है, और जीरो देते हैं मान कितना होता है, और जीरो देते हैं मान कितना होता है, और भी देते हैं कितना होता है, और भी कितना होता है। इसका मतलब है जब ज्यों ज्यों आप जीरो को देंगे आपका 10 गुना मल्टीपल बढ़ता जाएगा, अगर एक को ही आप मिटा दें तब क्या बचेगा, जीरो। इसका अर्थ क्या होगा, एक अगर आप सीखते हैं, अगर एक यहाँ पर लिखा हुआ है तो हर जीरो का महत्व है, अगर एक यहाँ पर है तो हर जीरो का मान है, अगर एक ही चला गया तो क्या बचा, जीरो, सब कुछ है। कोई ये गणित की अनमोल पहेली है, अगर आप एक चीज़ सीखते हैं, आज बच्चे शिक्षक के सामने रहते हैं वो क्या समझते हैं आपको मैं बताता हूँ। अगर कोई सवाल दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो क्वेश्चन जो कह रहा है वो उसको वो नहीं ध्यान देते हैं, वो जो कैलकुलेशन सर बतलाते हैं उस पर ध्यान देते हैं। आप क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। मैं तो बच्चों को कहता हूँ गणित में आप सिर्फ चार चीज़ जान लो, 6th क्लास की किताब में एक जगह लिखा हुआ है कि देयर आर ओनली 4 ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स, फर्स्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये चार के अलावा बचपन से लेकर 55 तक के गणित में कहीं कुछ नहीं है, चाहे आप पहला क्लास में पढ़ो, दूसरा में पढ़ो, मैट्रिक में पढ़ो, BSc में पढ़ो, MSc पढ़ो, अगर आपके अंदर में एक एडिशन का कॉन्सेप्ट है, सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है, आपके पास सब कुछ है। विद्यार्थी आप कौन है, आप एक, मैं विद्यार्थी को अपने वहां पर कहता हूं, आप एक छोटे पौधे हो। छोटे पौधे को आप देखे होंगे जब कोई बगीचा लगाता है, छोटा पौधा के लोग घेरा बना के रखता है, कि छोटा पौधे को लोग घेरा क्यों बनाते हैं, कि उसको बकरियां या गाय चर नहीं जाए इसलिए घेरा लगाते हैं। क्यों, उस पौधा को किसने लगाया, उसके पेरेंट्स ने, मम्मी पापा ने, आप और देख रेख कौन कर रहे हैं, संरक्षक कौन है, उसके शिक्षक। छोटे पौधे को अगर घेरा लगा के रखा जाए तो भविष्य में जब वो पौधे वृक्ष बन जाते हैं, जो जिस बकरी से वो पौधा डर रहा था, अगर वैसे वैसे लाखों बकरियां उस पौधे में अगर बांध दिया जाए उस वृक्ष में, क्या वो पौधा हिलेगा, नहीं हिलेगा। आप लोग ही भाव, आप लोग एक देश के इस पर्यटन क्षेत्र के अच्छे बेटे और बेटियां हो। मैं चाहता हूं आप एक ऐसे पौधे हो जिसके संरक्षण कर रहे हैं आपके पेरेंट्स, आपके शिक्षक। एक समय ऐसा आएगा कि आप एक ऐसा वृक्ष बनोगे कि सारी, और ऐसा वृक्ष बनोगे कि आपके छाँ में आपके पीछे अरमान है, आपके पेरेंट्स का, अपने माँ के, आपके आपके पिता का, आपके शिक्षक का। देखिए अभी पांडे सर कितने खुश हो रहे थे, हमारे बच्चे आज PO में हैं, मैनेजर हैं, आर्मी में हैं, कितने खुश नसीब अपने आप को समझते हैं, समझना भी चाहिए, गौरव की बात है। आज हम लोगों के इंस्टीट्यूट बच्चे बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। जब कोई विद्यार्थी अच्छा पद प्रतिष्ठा पाता है, सबसे पहली खुशी जो उनके शिक्षक होते हैं, माता पिता, पेरेंट्स होते हैं, वो बहुत अनमोल खुशी में, आप कहीं रहेंगे आपकी चर्चा इस इंस्टीट्यूट में होती रहेगी। और याद रखें, कभी भी याद रखना, नो विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान के दो ही भाग हैं, देयर आर ओनली 2 पार्ट्स ऑफ साइंस, एक जिंदा है दूसरा मुर्दा,
एक सजीव दूसरा निर्जीव। उसी पर विज्ञान में भी बहुत बड़ा फैक्टर, प्लस टू तक आप क्या पढ़ते हैं, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स के आप विज्ञान के शिक्षक आपको बताते होंगे सिस्टमेटिकल नॉलेज, विज्ञान क्या चीज़ है, सिस्टमेटिकल नॉलेज ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का आपको क्रमबद्ध सिलसिलेवार जानकारी होनी चाहिए। फिजिक्स में अगर आपको फिजिक्स बहुत अच्छा अगर समझना हो तो उसके टर्म पर ध्यान दें, उसका एक एक वर्ड पर उसके मीनिंग को समझें, कहाँ पर जैसे कोई वर्ड लिखा हुआ है, जैसे हम लोग एक जैसे पढ़ते हैं टेंथ क्लास में, उसमें कुछ वर्ड है जो बच्चों को समझ में नहीं आता है, जैसे आता है विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका अर्थ आप नहीं समझ पाते, मैं शिक्षक से आप पूछिए सर इसका मीनिंग क्या है, जब आप मीनिंग समझेंगे ना वो एक कॉन्सेप्ट है जीवन का। जीवन के अंदर में दो बात याद रखना, अगर आप सफलता चाहते हो तो पॉजिटिव एटीट्यूड एंड राइट एप्टीट्यूड। एटीट्यूड मतलब नजरिया, एप्टीट्यूड मतलब योग्यता। अगर आपके अंदर में एटीट्यूड पॉजिटिव है और एप्टीट्यूड आपका राइट है तो आपको जीवन में देयर इज नो एनी पावर बिलो एंड हाई, दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं आपको रोक पाएगा, हर मुकाम को हासिल करेंगे, करियर आपके लिए इन्फिनाइट है, अनंत है, आपके अंदर एक अनंत शक्ति है। विवेकानंद जब अमेरिका गए थे उन्होंने कहा था ये मस्तिष्क जो है एक अछोर पुस्तकालय है, एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, दुनिया की सारी चीज़ पहले से मौजूद है, तब तो आप समझ रहे हैं सारी चीज़ माइंड में पहले से भरा हुआ है, प्रकृति ने भर दिया है, उस नेचर ने डाल दिया है, बस आपको खोजना है, यू हैव टू सर्च ओनली, आप खोजिए, आपके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं, बस खोजेंगे मिलेगा। ईसा मसीह ने कहा था खटखटा दो खुल जाएगा, खोजो पालोगे, हर कुछ आपके अंदर मौजूद है, बस आपको सिर्फ जगना है। कहाँ तक जगना है, उन्होंने एक नारा दिया था एराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, जब तक आप जगे रहो तब तक ही लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लो, जुनून रखो। और खासकर बच्चों को आप देखना, जो आप नाइन्थ क्लास में पढ़ते हैं वो आपको इलेवंथ में पढ़ना है, बस उसका एक उसका विस्तार है, जो आप टेंथ में पढ़ते हैं उसको ट्वेल्थ में पढ़ना है, उसका एक विस्तार है, और कुछ नहीं है। जैसे जैसे आप क्लास में जाओगे बीएससी एमएससी कहीं भी पढ़ोगे उसी का थोड़ा थोड़ा सिर्फ एक्सटेंशन किया हुआ, एक्सपेंशन किया हुआ, और कहीं कुछ नहीं है उसमें। इसलिए सारे बच्चे आप लोग काफ़ी काबिल हैं, मैंने आप लोगों को देखा काफ़ी खुश हुआ, आप लोग अच्छे परफॉर्मेंस किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे आप बहुत अच्छा करेंगे, आपके जो सहयोगी हैं चाहे वो सूरज सर हैं, केमिस्ट्री वाले सर हैं, ठाकुर सर हैं, पांडे सर हैं, आप लोग हम लोगों को सम्मान दिए, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और आप जितने बच्चे अच्छे अच्छे रिजल्ट किए हैं सबको बहुत शुभ आशीर्वाद है, आप और भी अच्छे करें, ताकि आप लोग जब अच्छे करते हैं आप लोग ही हमारे जीवन हो, आप जब अच्छे करते हैं तो हम लोग का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, हम शिक्षक बहुत खुश होते हैं जब आप अच्छे करते हैं, इसलिए आपके जीवन से ही हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, बहुत क्लोज रिलेशन होता है शिक्षक और विद्यार्थी में। एक बच्चे थे यहाँ के कमलचक के, अजीत कुमार यादव, याद है जब वो पुलवामा में जिस दिन हमला हुआ था उस दिन वहाँ पर उसका ड्यूटी था, कहा वहाँ से काफ़ी वो मायूस होकर के फ़ोन किया कि सर के लिए बस बेटा चिंता मत कर, तुम देश का सच्चे सच्चा सेवक हो, और अगर तुम्हारी मौत भी हो गई तुम्हें वीर गति प्राप्त होगी और सारा दुनिया तुमको सलाम करेगा। और उस बच्चे को दौड़ते दौड़ते पैर में मोच हो गया था, हम और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जो मुकेश आजाद जी हम लोग गए थे उनसे मिलने के लिए, काफ़ी प्रभावित, रोने लगा बच्चा, उसका पैर एक गड्ढा में फंस चुका था। आज वो कहा कि सर आपके हिम्मत से वहाँ से उनको छुट्टी मिली जब वो फैस वहाँ यहाँ पर आए हुए थे, इसलिए आप लोग ही हमारे कर्णधार हो। बच्चे अच्छे करते हैं शिक्षक बहुत खुश होते हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, ताकि और भी अच्छा करें। इसी के साथ